लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने अपनी नई लिस्ट में यूपी की दो अहम सीटें कन्नौज और बलिया सीट से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। अखिलेश ने कन्नौज से अपने परिवार के सदस्य और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है, जबकि बलिया से सनातन पांडे को मैदान में उतारा है। कन्नौज सीट को लेकर बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी में असमंजस की स्थिति थी और कहा जा रहा था कि खुद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि अखिलेश यादव फिलहाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपने भतीजे को अपनी पुरानी सीट से मैदान में अब उतार दिया है। तेज प्रताप यादव के पिता रणवीर सिंह यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई थे। उनका 36 साल की उम्र में ही निधन हो गया था। रणवीर सिंह यादव राजनीति में सक्रिय थे और ब्लॉक प्रमुख रहे थे। उनके बाद उनकी पत्नी मृदुला यादव भी सैफई की ब्लॉक प्रमुख रहीं। रणवीर यादव के बेटे और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव की पत्नी राजलक्ष्मी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। तेज प्रताप यादव की बात करें तो वो मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। जब नेताजी मुलायम सिंह यादव ने 2024 के चुनाव में दो सीटों आजमगढ़ और मैनपुरी से चुनाव लड़ा था और दोनों सीटें वो जीत गए थे। उसके बाद उन्होंने मैनपुरी सीट छोड़ दी थी, जिस पर हुए उपचुनाव में सपा के तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा गया था और वो पहली बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में जीत कर पहुंचे थे। हालांकि 2019 के चुनाव में तेज प्रताप यादव को टिकट नहीं दिया गया था और मैनपुरी से नेताजी ने खुद चुनाव लड़ा था। अब मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। उनके बाद इस सीट पर हुए उपचुनाव में डिंपल यादव ने जीत हासिल कर ली थी। तेज प्रताप यादव का मुकाबला कन्नौज में बीजेपी के प्रत्याशी और वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक से होगा। इससे पहले जब कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव खुद इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो सुब्रत पाठक ने कहा था कि सुना है कि खुद बाहुबली आ रहे हैं। हालांकि अब इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है। कन्नौज सीट को लेकर बीते कई दिनों से जो कन्फ्यूजन जैसा माहौल था, वो तस्वीर बिल्कुल अब साफ हो गई है। बीते दिनों कन्नौज के कई नेता समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। 16 अप्रैल को अखिलेश यादव खुद कन्नौज पहुंचे थे और वहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी मुलाकात की थी। पार्टी कार्यालय में बूथ प्रभारियों और जोनल प्रभारियों के साथ संवाद के दौरान कुछ नेताओं ने बताया कि कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। पार्टी नेताओं की बात सुनकर अखिलेश यादव थोड़े भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि उनके घर में शादी नहीं है जो हर किसी को मनाते रहे, ये चुनाव एक आंदोलन है। उन्होंने तो किसी को निकाला नहीं, जो भी आए हैं उनका स्वागत है। जो भाजपा में गए वो अवसरवादी थे, मौके का लाभ लेकर वो चले गए।